इन खबरों में सबसे पहले राजस्थान की नई भाजपा सरकार कल पेश करेगी अपना पहला लेखानुदान। लखपति दीदी की तर्ज पर योजना लाएगी भजनलाल सरकार। राजस्थान में भारतीय वन सेवा IFS के 44 अफसरों के तबादले किए गए हैं। 7 को सौंपा गया है अतिरिक्त कार्यभार। अलवर, जयपुर व दौसा का 607.66 वर्ग किलोमीटर इलाका सरिस्का में शामिल कर लिया गया है। अब रणथंभौर अभयारण्य से भी ज़्यादा खुलकर सांस ले सकेंगे सरिस्का के टाइगर। जस्टिस MM श्रीवास्तव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। इस पर हमने अभी चर्चा भी की। नेशनल डेटाबेस सर्वर में खराबी की वजह से पिछले 4 दिन से ठप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम जयपुर में झालाना, जगतपुरा और विद्याधर नगर RTO कार्यालय में हजारों आवेदकों के लाइसेंस अटके हैं। अलवर में हनी ट्रैप में फांसा थानेदार और कांस्टेबल को ब्लैकमेल कर 1 करोड़ रुपए हड़पे। 3 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार और 4 आपस में भाई बहन हैं। भाजपा सरकार की ओर से नौकरी से हटाए गए राजीव गांधी युवा मित्रों का प्रदर्शन तेज। सरकार नहीं कर रही है कोई सुनवाई। जयपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 1 ने 38 लाख रुपये 87,000 रुपये की वसूली के लिए राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड का बैंक खाता कुर्क करने का आदेश दिया है। मथुरा जंक्शन पर रख रखाव का काम के चलते जयपुर मथुरा समेत 4 ट्रेनें 11 फरवरी तक रद्द रहेंगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह अफसर नहीं, भाजपा की ओर से मनोनीत काउंसलर निकला, जिसे गैर कानूनी तरीके से बना दिया गया पीठासीन अधिकारी। मध्य प्रदेश में अब विश्वविद्यालयों के कुलपति कहलाएंगे कुल गुरु, भाजपा सरकार ने बदला पदनाम। वीडियोकॉन लोन केस में अवैध थी चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को सही ठहराया। अब बिना वीजा के वीजा से ईरान घूमने जा सकेंगे भारतीय नागरिक। हर 6 माह बाद 15 दिन भ्रमण की सुविधा मिलेगी। भारत ने Under-19 विश्व कप वनडे क्रिकेट के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। खिताब से बस अब 1 कदम दूर। पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया में से जीतने वाली टीम से होगा फाइनल मुकाबला। राजस्थान में 2 साल बाद बंद हो जाएंगे 4 वर्षीय BA BEd और BSc BEd के पाठ्यक्रम। 8वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 28 मार्च से 4 अप्रैल तक होंगी परीक्षाएं। समय दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक का रहेगा। राजस्थान में तय फीस से ज़्यादा रकम वसूलने वाले नर्सिंग संस्थानों पर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल करेगी कड़ी कार्रवाई। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं। भारतीय सेना में NCC स्पेशल एंट्री 56 कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 मार्च तक किए जा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1025 पदों के लिए 25 फरवरी तक मांगे गए हैं ऑनलाइन आवेदन। यूनियन बैंक में स्पेशलिस्ट के 606 पदों के लिए 23 फरवरी तक किए जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। NIA में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के 119 पदों के लिए 22 फरवरी तक मांगे गए ऑनलाइन आवेदन। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जूनियर असिस्टेंट के 139 पदों के लिए 22 फरवरी तक किए जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। पंजाब पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर आदि के 544 पदों के लिए
9 फरवरी तक मांगे गए ऑनलाइन आवेदन। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 11 फरवरी तक मांगे गए ऑनलाइन आवेदन।